का संबोध विद्युत फ्लक्स और गॉस प्रमेय पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या एक। 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए। तो इसका हल है जैसे हमें दिया है, गोलीय चालक की त्रिज्या बराबर 0.1 मीटर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम और हमें ज्ञात करना है कि उस पृष्ठ पर कितना आवेश होगा। तो आवेश का मान हमें ज्ञात करना है, Q बराबर क्या होगा। तो क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होती है, इसलिए मान रखेंगे 900 बराबर 9 × 10⁻⁹, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। Q हमें ज्ञात करना है, r का मान 0.1² तो Q बराबर 900 × 0.1² बटे 9 × 10⁻⁹। इसको हल करेंगे, 9 से 9 कट गया तो ये 100, और ये सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, तो ये प्रश्न का यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया, Q का मान 10⁻⁹ कूलाम। इसी तरह से आप दूसरा प्रश्न करते हैं। अनंत लंबी आवेश की रेखा या लाइन 2 मीटर पर फोर पॉइंट फाइव इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं, तो यहां पर इसका हल निकालते हैं। तो जो दिया है वो है हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर
4.5 इंटू 10^4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो हम यहां पर देखते हैं कि जो दूरी हमें दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 2 मीटर। तो ज्ञात करना है रेखीय आवेश घनत्व। ये लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं। तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र किसी अनंत लंबी रेखा के लिए जो उसकी तीव्रता का सूत्र है वो होता है E = λ/2π/0R। R से मतलब है दूरी, तो ये वैल्यू यहां रख देंगे 2 × λ, 2 × ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया आपका 1/4π/0। तो इसका मान हमें पता है इसलिए इसको कन्वर्ट कर दिया कि 1/4π/0 कितना होता है, 9 × 10^9। तो इसको रख देंगे तो E = 9 × 10^9 × 2λ/R। अब हम ये जो मान हमें दे रखे हैं, R का मान हमें पता है, E का मान हमें पता है, रख देंगे। तो ये रखने पर 2 × λ ज्ञात करना है, R का मान हमें दे रखा है यहाँ पे, वो कैपिटल R स्मॉल R आप जो भी लिखेंगे उसकी वैल्यू रख दीजिए। तो ये हमारा पास कितना हो गया, λ = 4.5 × 10^4 / 9 × 10^9। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0.5 × 10^-5 कूलाम पर मीटर, या हम इसको माइक्रो कूलाम में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 5 μ³। तो इस तरह से इस प्रश्न का हमने सॉल्यूशन ज्ञात कर लिया। अगला प्रश्न है कि किसी घन के केंद्र पर 10 μ³ का एक आवेश रखा है, घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फलक की गणना कीजिए। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक घन बना रहे हैं और उस पर हमें Q का मान दिया है 10 μ³, तो एक फलक से कितना आवेश निकलेगा वो ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्योंकि एक घन के 6 फलक होते हैं तो हमें एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो है इसका एक वर्ग, और एक वर्ग जो है यहाँ पर एक घन का एक फलक है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना इससे जो है गुजरने वाला फ्लक्स वो फाई है, या हमने यहां पर कन्वेंस के लिए लिख लिया φ-E है। तो φ-E = घन से गुजरने घन से गुजरने वाला फ्लक्स बटे फलकों का जो संख्या है, तो ये हो गया φe, और जो फलक की संख्या वो 6, तो एक फलक से निकल जाएगा। तो फ्लक्स बराबर हमारे पास Q/ε0 होता है, तो यहां पर φ-E = 1/6 of φe, तो Q/ε0।
इसका वैल्यू रख देंगे, तो ये हो गया 1/6 into 10 रेस पावर माइनस 6। ठीक है, तो हम यहां पर जानते हैं 1 μC 10⁻⁶ कूलाम होता है, तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻¹2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1.88 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एक और प्रश्न ले लेते हैं। वन मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक धातु की दो बड़ी प्लेट परस्पर अभिमुख हैं, यानी एक दूसरे के वो पैरेलल रखी हैं, और वे परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर हैं तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किनारे के प्रभाव को छोड़ने पर 55 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। तो हम देख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। पहले तो दो हमारे पास प्लेटें हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं और उन पर विपरीत आवेश हैं, यानी एक पॉजिटिव आवेशित है तो एक नेगेटिव आवेशित है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हमें इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1 μ² जो विद्युत क्षेत्र है वो हमें दे रखा है 55 न्यूटन प्रति कूलाम। तो प्लेटों पर हमें विद्युत आवेश ज्ञात करना है, तो प्लेटों पर आवेश Q कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो हमें पता है क्योंकि जो हमारा यहां पर फ्लक्स है वो बराबर हो जाएगा कितना, E into A विद्युत क्षेत्र गुणा पृष्ठ क्षेत्रफल। तो फाई बराबर E का मान हमें पता है Q/ε₀। तो ये दोनों इक्वेशन को हम यहां पर यूज कर लेंगे तो EA बराबर हमारा हो गया Q/ε₀। तो अब हम यहां पर Q बराबर निकाल देंगे तो Q बराबर हो गया EA/ε₀। तो इनका मान हमें जो दिया है उन्हें ये रखें 55, ये हो गया 1 × 8.85 × 10⁻¹2।
से सॉल्व करेंगे पूरे को तो हमारे पास आ जाएगा 4.87 इंटू 10 रेज पावर माइनस 10 कूलाम। इसलिए दोनों प्लेटों पर आवेश बराबर प्लस माइनस, यानी एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, तो कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू प्लस एक का माइनस, 4.87 इंटू 10 माइनस 10। अब एक और सवाल ले लेते हैं, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में 2.55 इंटू 10 रेज पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के नियत वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य की कोई तेल बूंद स्थिर रखी जाती है। तेल का घनत्व 1.26 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। बूंद की त्रिज्या का आकलन कीजिए, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम दिया है हमें, तो हल करेंगे तो हमें ज्ञात है कि E का जो मान है वो है 2.55 इंटू 10 रेज पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और यहां पर जो तेल का घनत्व है और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो भी हमें पता है, तो घनत्व हमें दे रखा है रो बराबर 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम को चेंज कर देंगे किलोग्राम, और ये हमारा हो गया मीटर क्यूब, तो इसे हमने चेंज कर दिया। अब बूंद पर आवेश Q बराबर, क्योंकि हमें एक पता है तो 12 बूंदों पर कितना हो जाएगा 12E, 12 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 सॉल्व कर देंगे, तो ये हो गया 1.92 इंटू 10 रेज पावर 18 कूलाम। बूंद का द्रव्यमान m बराबर ये हो जाएगा बूंद का आयतन गुणा बूंद का घनत्व। अब आयतन का मतलब है क्योंकि वो स्फेरिकल है, बूंद है एक गोला जैसा व्यवहार करेगी, तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आयतन हो गया, और गुणा घनत्व यानी रो, तो ये बूंद पर हम उसका द्रव्यमान भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पता है कि ये बूंद है, इस पर जो है फोर्स लग रहा है क्यू ई और नीचे लगेगा एम जी, तो हम यहाँ पर इक्वेट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्यू ई बराबर एम जी, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाएगा, तो हमारे पास क्यू ई बराबर
एम का मान हमने निकाला 4/3 पाई r³ रो, और जी का मान हमें यहाँ पर पता है। तो अब हम यहाँ पर इन मानों को यूज करते हुए जो हमारा त्रिज्या है वो निकाल लेंगे। तो r³ बराबर हो गया 3qe/4π ρ g। इन मानों को रख देंगे, 3 × q का हमारे 12 बूंद के लिए निकला था 1.92 × 10⁻¹⁸, e का वैल्यू हमें दे रखा है 2.55 × 10⁴, और डिवाइडेड बाई ये हमें 4 π का मान हमें पता है 3.14, रो का मान हमने निकाला था तो ये है 1.26 × 10⁻³, और जी का वैल्यू हमें दे रखा है 9.81 m/s². तो इन वैल्यूज को रख दिया यहाँ पे, इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये हमारा आ जाएगा 0.946 × 10⁻¹⁸। ठीक है, तो हम इसको r³ है तो r बराबर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इसका घनमूल, तो इसका घनमूल सॉल्व करके निकल जाएगा। इसी तरह से एक और प्रश्न ले लेते हैं, 2.4 m व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर है, तो ज्ञात करना है हमें वहां पर गोले पर आवेश और बी गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो अब हल कर लेते हैं, वैसी है जैसे हमने पहले किए थे, वही फॉर्मूले यूज होंगे। तो यहां पर जो हमें पता है वो है कि गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो पता है, उसका व्यास पता है, तो हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर 80 µC/m², इसको कन्वर्ट कर देंगे माइक्रो को तो 10⁻⁶ c/m² हो गया। और जो गोले का व्यास डी है वो दे रखा है 2.4 m, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी इसका आधा, तो ये हो गया कितना 1.2 m। अब हम गोले का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 4π r², r मतलब त्रिज्या या d/2, तो गोले पर आवेश Q बराबर सिग्मा इंटू ए, ए मतलब क्षेत्रफल, ये हो गया हमारे पास सिग्मा इंटू 4π r², और सिग्मा की वैल्यू पता है 80 × 10⁻⁶, और हमें ए पता है क्योंकि आर पता है, तो हम 4π r² रखेंगे तो 4 × 3.14 × r² तो 1.2 का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके हो गया 1.45 ×
10^-3 कूलम। एक गोले पर आवेश निकल गया। अब हमें बी निकालना है, गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स या फ्लक्स। तो ये हमारा फाई बराबर हो जाएगा क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, तो क्यू बराबर 1.45 × 10^-3, और हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 × 10^12। सॉल्व करके आ गया 1.6 × 10^8 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।